Good morning, dear students. How are you? Dear students, current affair video series में हम आपके लिए next video लेके आए हैं. तो start करते हैं student. इस video का पहला प्रश्न, first प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की पहली 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी, जहां चावल के अवशेष से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा. तो इस प्रश्न का आंसर है स्टूडेंट, ओडिशा. भारत में पहला 2G द्वितीय पीढ़ी की एथेनॉल बायो रिफाइनरी ओडिशा के बारगढ़ जिले में स्थापित की जाएगी. इस रिफाइनरी को 2020 तक स्थापित किया जाएगा. नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र सेना ने मेड वॉच नामक मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च की? इस प्रश्न का आंसर है भारतीय वायुसेना. इस ऐप को भारतीय वायुसेना के स्थापना की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया. यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं की ओर से जारी इस प्रकार की पहली मोबाइल एप्लीकेशन है. नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मेड वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट कथन, स्वदेश निर्मित इस ऐप को अत्यंत कम लागत पर IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है. सेकंड कथन है, मेड वॉच से वायुसेना के जवानों और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही सही एवं वैज्ञानिक तथा विश्वस्त विवरण उपलब्ध होगा. उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको चार ऑप्शन देखने हैं, चारों में से जो आपको सही लगता है वो आंसर दीजिए. इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो. फर्स्ट जो कथन है वो गलत है, सेकंड कथन जो है वो सत्य है. इन दोनों कथनों के बारे में हम एक टिप्पणी देखते हैं. फर्स्ट कथन के लिए टिप्पणी देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के संबंध में मेड वॉच नामक एक मोबाइल हेल्थ ऐप की शुरुआत की है. स्वदेश निर्मित इस ऐप को बहुत कम लागत पर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा विकसित किया गया है. मेड वॉच तीनों सशस्त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है, अतः कथन फर्स्ट जो है वो सही नहीं है. सेकंड कथन के लिए देखिए, मेड वॉच से वायुसेना के जवानों और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही सही एवं वैज्ञानिक तथा विश्वस्त विवरण उपलब्ध होगा. इसमें मूलभूत प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे तथा पोषक आहार पर आधारित विवरण, समयानुसार स्वास्थ्य समीक्षा, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड, BMI कैलकुलेटर, हेल्पलाइन नंबरों और वेब लिंकों जैसे उपयोगी माध्यम शामिल हैं, अतः कथन जो सेकंड है वो सही है. नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में IDBI बैंक के MD तथा CEO का पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का आंसर है राकेश शर्मा. IDBI बैंक वेडनेसडे सेड राकेश शर्मा हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक इफेक्टिव टुडे. तो नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पटना, बिहार, भारत. बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी. यह एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा. इसी तरह के बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों, व्हाट्सएप स्टेटस और अन्य स्टेटस के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो. यह ऐप फैक्टो के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. इस ऐप के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर
आप फैक्टो टाइप कीजिए और क्लिक कीजिए, इस ऐप को आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके लिए इंस्टॉल बटन शो होगा, आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे यूज कीजिए। तो ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।